हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है फास्टैग रिचार्ज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फास्टैग रिचार्ज, अभी हम दिखाने वाले हैं कि आप अपने खुद के मोबाइल से भी फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। साथ में आपके अगर इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने दोस्त के भी मोबाइल से फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कर मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको फास्टैग करने के लिए। हेलो तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं गूगल पे से यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एक स्मॉल चैलेंज है और हम पूरा करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं मत स्किप कीजिएगा। तो यहाँ हम दो स्टेप में हम फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं वो देखेंगे। स्टेप वन प्रेजेंटेशन में देखेंगे अपने फास्टैग का यूपीआई आईडी कैसे तैयार करते हैं, और स्टेप टू में देखेंगे कि यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके हम फास्टैग का मोबाइल से रिचार्ज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, स्टेप वन में देखेंगे कौन से भी फास्टैग का यूपीआईडी कैसे तैयार करते हैं। तो एक सवाल है और हम यहाँ उसका जवाब भी देंगे। जनरल फास्टैग का यूपीआईडी ऐसे तैयार करते हैं, NETC.car_@ और लास्ट में बैंक कोड। इसमें यह आपको कार नंबर डालना है, यह आपको बैंक कोड डालना है। तो आपको अपने बैंक कोड मालूम नहीं होगा, वो भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने फेडरल बैंक से फास्टैग खरीदा है तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपने किसी और बैंक से फास्टैग खरीदा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग बैंक के फास्टैग के रिचार्ज की वीडियो की लिंक डाली है, अपने बैंक के अनुसार वीडियो देखिए। तो अब यहाँ मैं मेरे फास्टैग का यूपीआईडी तैयार करके दिखाता हूँ। मेरे कार का नंबर है MH01AB1234 और फेडरल बैंक है, उस फेडरल बैंक का बैंक कोड है FBL। तो ये सब डिटेल्स भर के मैं अपने फास्टैग का यूपीआईडी तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया मेरे फास्टैग का यूपीआईडी तैयार, NETC MH01AB1234@FPL, और ये हमारा फास्टैग कंप्लीट हो गया। तो इस यूपीआईडी को यूज़ करके आप अपने मोबाइल से या किसी दोस्त के मोबाइल से इन इमरजेंसी आप फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं हम स्टेज टू में देखेंगे। अब स्टेप टू में देखते हैं कि मोबाइल से यूपीआईडी जो हमने फर्स्ट स्टेज में तैयार किया था उसका इस्तेमाल करके हम बिना रजिस्ट्रेशन के फास्टैग का रिचार्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मोबाइल से आपको गूगल पे पे क्लिक करना है और उसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ गूगल पे पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे न्यू पेमेंट करके यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा बॉटम में। तो उस सिंपली न्यू पेमेंट पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर, यूपीआईडी और क्यूआर और सेल्फ ट्रांसफर पर ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे ट्रांसफर मनी के अंडर। तो उसमें से सिंपली आपको यूपीआईडी और क्यूआर कोड पे आपको सिंपली आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे यूपीआईडी और क्यूआर इस पर क्लिक करता हूँ। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है यूपीआईडी और दूसरा ऑप्शन है ओपन कोड स्कैनर। तो सिंपली आपको क्या करना है, यूपीआईडी पे क्लिक करना है। सब विंडोज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको इस बॉक्स में जो हमने फर्स्ट स्टेज में यूपीआईडी तैयार किया था उसको यहाँ डालना है। तो मैं यहाँ यूपीआईडी डाल देता हूँ, मेरे केस में जो फास्टैग का यूपीआईडी है उसको डाल देता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कैंसिल और वेरीफाई बटन है। तो नीचे वेरीफाई बटन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई करने के बाद यहाँ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे चेक करना है, अपना नाम भी चेक करना है, उसके नीचे जो है रहता है वो रहता है यूपीआईडी जो हमने डाला था वो चेक करना है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद ऐसा पेमेंट का विंडो छोटा सा ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपके नीचे बॉटम में पे का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उस पे पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा, ये पेमेंट का विंडो है। अमाउंट डालना है और एड नोट चाहे तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ। और अमाउंट डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एड नोट है, उस एड नोट पे मैं यहाँ पे रिचार्ज करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे ग्रीन टिक है, उसको ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद और यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं ग्रीन टिक है, उस पर ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे चूज अकाउंट टू पे ऐसा आएगा। तो सिंपली आपको उसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं पे ₹5, उस पर क्लिक करना है। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ ऐसा पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको 4 डिजिट पिन आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे सिंपली 4 डिजिट पिन एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे बॉटम में यहाँ पे जो टिक है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं उसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा जो दिखाएगा यू पेड रुपीज फॉर द फास्टैग। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ का रिचार्ज का पूरा डिटेल भी देख सकते हैं, सिंपली उसके सामने जो एरो है उसको क्लिक करना। तो यहाँ पे ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा, यहाँ पूरा पेमेंट का डिटेल्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का नेम है, ट्रांजेक्शन आई डी नेम है और उसके नीचे जो है वो फास्टैग का यूपीआई आई डी। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो ऐसा करके आप अपने मोबाइल से या किसी दोस्त के मोबाइल पर सिंपली यूपीआई आई डी डाल के अपने फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।